أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. مهترم هدرات और ख़वा इस्लाम ये अल्लाह तबा रक का फ़जल करम है और उसी का फ़जलो करम था कि माह रमज़ान के इस वक़्फ़े में हमने आपके के सामने खैरुन्नास के सिलसिले की मख्तल किस्मों का तरकरा किया उन ख़ुश नसीब लोगों का तरकरा हमने आपके सामने किया जिन्हें नबी सलाम ने ज़बान मुबारक से खैरन्नास होने का तमगा और एज़ाज़ अता फ़रमाया हकीक़त ये है कि कुछ और लोग भी हैं जिनके हक़ हाँ में खैरन्नास की बात नबी सलाम ने कही है लेकिन चूंकि माह रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है इसलिए हम इस सिलसिले को रोकना चाहते लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आपके सामने इस पहलू पर गुफगु करें कि हमने ये जो सिलसिला सुना पूरा महीना तकरीबन हम ये मौजू सुनते आए हैं तो इस मौज़ को छेड़ने का मकसद क्या था इस इसवान को सुनने का हमारा और आपका मकसद क्या था और इससे क्या फ़वाद हैं जिसकी हम और आपको तवक्को रखनी चाहिए या दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि खैर उन्नास के की इन मुख्तलिफ अकसाम को जान लेने के बाद हम और आपको करना क्या चाहिए हम कोशिश करेंगे कि आज के और कल के आखिरी दर्स में आपके सामने ऐसे दस फायदे गिनाए कि जो फायदे हमारे और आपके सामने हमारे और आपके दिलो दिमाग में होने चाहिए या यूं समझिए कि खैरन्नास का ये सिलसिला सुनने के बाद हम और आपको ये दस काम करने चाहिए एक ऐसे का, ऐसे दस काम जो कि नबी आ सलाम की इन अहादीत का मकसूद हैं हमारी और आपकी जिंदगी में उनके असरा इस शक्ल में नजर आने चाहिए वो क्या फ़ायदे हैं जो इस सिलसिले में हम और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर देखने चाहिए या इन फवाइद को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए तो मैं आपके सामने सिलसिलावार कुछ आज और कुछ आपके कल गिनाता हूँ सबसे पहला फ़ायदा नास के सिलसिले को जानने का ये हुआ और ये होना चाहिए कि हमने नेकियों में आला दर्जे की नेकियों को पहचाना है आप और मैं ये बात जानते हैं के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में नेकियों के काम बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में छोटी सी छोटी नेकी से लेकर बड़ी से बड़ी नेकी बहुत सारी नेकियां लेकिन इन सारी नेकियों में सबसे अफजल नेकियों को अगर हम तलाश करना चाहें ताकि हम वो नेकियां कर सकें तो फिर हम और आपको एक तरीक़ा ये है कि हम الناس को देखें यानी नबी अलतम ने खैरन्नास या خياركم, या خير या खैर उम्मती या खैर इबादिल्ला عباد الله, इनमें से कोई भी उसलूब इख्तियार करके अल्लाह के, अल्ला के नबी ने अगर कुछ अमाल का तस्करा किया है तो ये इस बात की आलामत है कि नेकियों में ये अला दर्जे की नेकियों में से چننے किया आला दर्जे की नेकियों को बताने के जवाबित और भी हैं खैरुकुम के अलावा भी हैं लेकिन खैरुकुम के जरिए कम अज कम ये फायदा होता है कि आला दर्जे की नेकियों को हमने पहचाना है ताकि हम और आप अगर पूरी नेकियां नहीं कर सकते तो कम से कम जिन नेकियों को ज्यादा फजीलत दी गई है खेई जिनके बारे में कहा गया ये इसी जैसा कोई और उसलूब इख्तियार करके जिस नेकी को सबसे ज्यादा बेहतर बताया गया है उस नेकी को हम और आप अपना सकते हैं तो सबसे पहला फायदा जो हमारी और आपकी जिंदगी में जाहिर होना चाहिए वो ये कि हमने आला दर्जे की नेकियों को पहचाना है खैरुकम के इस सिलसिले को सुनने के बाद दूसरा फायदा इस सिलसिले को सुनने के बाद यह है कि हम अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं नेक बनाना चाहते हैं और हम जन्नत तक का रास्ता जरा मुख्तर तलाश करना चाहती हैं इसलिए कि आमतौर पर हम और आप शॉर्टकट के बड़े आदि मुख्तर रास्तों को पसंद करते हैं और आसान रास्तों को पसंद करते हैं अगर हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक रास्ता यह है कि हम और आप पूरे दीन पर अमल करें और यही होना चाहिए दीन का कोई हुक्म हम और आपसे छूटना ना पाए जिस नेकी का तस्करा सुन ले एक बार कम अज कम जब तक याद रहे तब तक वो नेकी करते रहे ये होना चाहिए लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि हम और आप अच्छे बनने के लिए कम अज कम वो काम तो करें जिन कामों के करने वालों को नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे अच्छा कहा है हम और आप जन्नत से करीब होने के लिए कम अज कम उन नेकियों को अपनाने की कोशिश करें कि जिन नेकियों के करने वाले को नबी सलाम ने खैरुकुम कहा क्या यह मुख्तसर रास्ता नहीं है कि हम वो नेकी कर लें जो नेकी नबी सलाम ने खैरनास के लकब के साथ सिखाई है हम वो नेकी करें खैरन्नास बन जाए फिर एक नेकी करें फिर से खैर उन्नास बन जाए ये मुख्तसर रास्ते हैं ये आसान रास्ते हैं जन्नत से करीब होने के जहन्नम से दूर होने के अल्लाह से नज़दीक होने के अल्लाह ताला के महबूब अल्लाह ताला के पसंदीदा और लोगों में सबसे बेहतर बनने के ये मुख्तसर और आसान रास्ते हैं तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हमने वो मुख्तसर रास्ते बस सीखे वो जाने कि जिनको अपना कर हम सबसे अच्छे लोग बन सकते हैं ये दूसरा फ़ायदा है और ये दूसरा फ़ायदा भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में जाहिर होना चाहिए तीसरा फायदा खैरुकुम का ये जो सिलसिला हमने सुना है इसका एक जानीबी फायदा यह भी होता है कि देखिए हम और आपको अगर कहा जाए तुम अमल करो तो हम अमल करेंगे इन लेकिन अगर हम और आप ये कहें कि भाई तुम में सबसे बेहतर आदमी को है कौन है सबसे बेहतर बनकर दिखाओ तो हम आपस में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे आमतौर पर नेकी का तकरा सुने अमल का जज्बा बढ़ेगा की ये जो ताबीर फरमाई है इससे मुकाबले की कैफियत पैदा होगी कि मैं सबसे बेहतर बनूंगा मैं सबसे अच्छा बनूंगा मैं सबसे मिसाली इंसान बनने की कोशिश करूंगा अब नेकी को ऐसे ही करना और नेकी में मुकाबला करना इन दोनों में फर्क कहां जाहिर होगा एक मिसाल के जरिए मैं आपके सामने बात वाज करता हूं आप अगर किसी रास्ते पर जा रहे हों एक मसाफत आपको तय करनी है आप अपनी रफ्तार से अपने मिजाज से तबीयत जैसी आपकी होगी उसी हिसाब से आप वो मसाफत तय करेंगे लेकिन वही मसाफत अगर आपको किसी के मुकाबले में तय करना हो तो क्या करेंगे वही मसाफत तय करेंगे लेकिन आप जो है ज्यादा कम कम वक्त में वो मसाफत तय कर लेंगे या अगर एक घंटे का वक्त है आप आम हालात में तय करेंगे साठ किलोमीटर तय करेंगे लेकिन वही मुकाबले की कैफियत हो तो हो सकता है साठ के बजाय अस्सी या सौ किलोमीटर तक आप तय कर जाए तो मुकाबले की इस कैफियत से क्या होगा हमारे अमाल में इजाफा हो जाएगा हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो आम हालात में जितनी नेकियां कर सकते थे उससे ज्यादा नेकियां कर ले जाएंगे इसका मतलब यह हुआ ख़ैर उन्नास के इस सिलसिले को सुनने के बाद ये फायदा होना चाहिए पहले हम अमल करते थे तो अब हमें अमल में मुकाबला करना चाहिए पहले हम नेकियां करते थे अब नेकियों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने यही उसलूब तो अपनाया यही अंदाज तो नबी सलाम ने इख्तियार फरमाया आपने कहा खई तुम मैं सबसे बेहतर अब आपसे पूछे कौन आप में से बेहतर कहलाना नहीं चाहता हम सब चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में बनना चाहते हो तो मुकाबला करो सबसे बेहतर कर दिखाओ नेकियों में मुकाबला करके दिखाओ यह तीसरा फायदा है कि खैरुकुम रकुम के सिलसिले को सुनने की वजह से मुकाबले की कैफियत पैदा होती है और जब मुकाबले की कैफियत पैदा होती है तो फिर इंताज या रिजल्ट जिसे कहते हैं वो ज्यादा हो जाता है हमारी नेकियां और ज्यादा हो जाती हैं तो हम और आपको मुकाबला करना आ जाता है और यहीं से ये सीख भी मुझको और आपको मिलती है कि मोमिन का असल मुकाबला किस मैदान में होना चाहिए हम और आपको असल मुकाबला किस में करना चाहिए मिस्टर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस इंडिया मिस्टर इंडिया या मिस्टर फुना या बिजनेस आइकॉन टाइकॉन क्या कुछ हम नहीं बनना चाहते हम सब कुछ बने लेकिन इस्लाम आपको बना बताना चाहता है मुकाबले का असल मैदान यहां है वो सारे काम में तुम कामयाब हो गए नाम कमा लिए तो क्या होगा तुम्हारी पहचान दुनिया में होगी लोग थोड़ी इज्जत करेंगे थोड़ा पैसा मिलेगा थोड़ी शोहरत मिलेगी लेकिन यहां अगर मुकाबला करोगे अल्लाह की नजर में सबसे अच्छे बन जाओगे अल्लाह के सबसे चहीते बन जाओगे अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा बन जाओगे अल्लाह ताला के महबूब बन जाओगे और जब अल्लाह के महबूब बन गए दुनिया तुम्हारी आखिरत तुम्हारी ये है मुकाबले का असल मैदान तो ये जो उस खैरुकुम का सिलसिला है ये मुकाबले के मैदान की शनाख्त और आपके सामने करवाता है खैरुकुम के इस सिलसिले को सुनने का एक और फ़ायदा भी है वो फ़ायदा क्या है देखिए हम और आप इस हकीकत को याद रखें नेकियां हम करते हैं। हम अपनी मर्जी से मुंतखब करते अच्छाइयां नेक अमाल हम अपनी कोशिशों से करते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है शाह रबालमीन कि हमारी मर्जी हमारी मशीयत अल्लाह ताला की मशीयत से खाली नहीं होती नेकियां हम करते अल्लाह तौफीक से करते हैं अब मैं और आप अपनी जिंदगी में नेकियां करते आ रहे हैं करते जाएंगे इन अब ये जो नेकियां हम करते आ रहे थे खैरुकुम के इस सिलसिले को सुनने के बाद अगर हमें पता चल रहा है कि हमारी जिंदगी में एक या एक से जायद या कई ऐसी नेकियां हैं ऑलरेडी पहले से जो अल्लाह ताला के पास खैरुकुम का दर्जा पाए हुए हैं तो फिर हम और आपके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होना चाहिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने पहले से हमें तोफ़ी बख्शी हुई है कि हम बहुत सारी ऐसी नेकियां बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करते चले आए हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने खैरन्नास की फहरिस्त में मुझको और आपको शामिल करके रखा है ये कितनी खुशबी की बात है कि हमें पता नहीं है लेकिन हम अल्लाह के चहीते बंदों में शामिल किए जाते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि हमें खबर नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम की जबानी हमें खैरन्नास का टाइटल मिला हुआ है शुक्रगुजारी के जज्बे से हम और आप को मामूर हो जाना चाहिए हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए और इसलिए भी शुक्रगुजार बनना चाहिए कि हम शुक्रगुजार बनेंगे नेकियों पे शुक्र पर अल्लाह ताला मजीद नेकियों की तौफीक अता फरमाएगा तो खैर उन्नास का यह सिलसिला सुनने के बाद अगर मेरी और आपकी अमली जिंदगी में हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने पहले ही से हमें नवाजा हुआ है तो हम शुक्रगुजार बने फायदा क्या होगा नास की फहरिस में जो बकिया काम है या दीगर जो बड़ी नेकियां हैं उन नेकियों की तोफीक से अल्लाह तबाक मुझको और आपको मालामाल करेगा यह हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा भी पैदा होना चाहिए हाजीन गिरामी ये जो तवील सिलसिला हमने सुना है खैरनास का उसका एक और फायदा भी हो है और होना चाहिए हमारी जिंदगी में और वह फायदा यह है कि बसा अवत हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयां होती हैं हमारे अपने वालदान की तरबियत का नतीजा या हमारे अपने इस की मेहनत का नतीजा और या फिर यूँ कहिए कि कभी जुमा और जमात या किसी दर्स या किसी खुतबे में सुनने सीखने के बाद हम ने की करते इन सब से बढ़कर महज़ अल्लाह की तोफ़ी से कुछ अच्छाइयाँ हम कर रहे होते हैं लेकिन समाज में जब बिगाड़ हद से ज़्यादा होना तो नेकी अजनबी हो जाती है नेक इंसान अजनबी बन जाता है ऐसे मौके पे अक्सर एक नुकसान ये हो जाता है कि यह अजनबीयत हम और आपको सताने लगती है अजनबीयत हम और आप को डसने लगती है हम और आप घबरा जाते हैं हम और आप परेशान हो जाते हैं हम और आप कभी कभार उल्टा भी सोचने लगते हैं अल्लाह ना करे शैतान अगर कामयाब हो जाए तो यूं भी सोचने लगते हैं क्या जरूरत है कि हम अलग ऐसे लोगों में नजर आए एक नेकी ही तो है छोड़ देंगे कि लोगों के दरमियान लोगों के जैसे रहेंगे क्यों अपने आप को लोगों के अंदर ऐसे देखें कि लोग हमें अलग नजरों से देखें शैतान के वसवसे में मुबतला होकर हम हिम्मत हार जाते हैं नेकी से पीछे हट जाते हैं। के सिलसिले को सुनने का एक फायदा यह भी हो सकता है सबके हक हाँ में नहीं नहीं बाज लोगों के हक हाँ में कि ऐसी किसी सूरत हाल से वो दो चार हैं उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है उनकी हिम्मत बंध जाती है कि चलो कोई बात नहीं मुआशरा कदर नहीं करता ना करें मुआशरा नहीं पहचानता न पहचाने मैं मुआशरे में अजनबी हूं तो क्या हुआ अल्लाह ताला के पास मैं अजनबी नहीं हूं अल्लाह ताला मुझे खैरानन्नास के दर्जे में रखा है मुआशरे में मैं अकेला हूं लेकिन अल्लाह ताला के पसंदीदा और चहीते बंदों में, में मेरा शुमार है ये हिम्मत बंधती है ये हिम्मत बंधवाने का काम आता है काम हम इससे ले सकते हैं सिलसिला तो खैरन्नास ये फ़ायदा भी मेरे और आपके सामने जाहिर करता है जीने गिरामी मैंने जैसे कहा कि खैर उन्नास के सिलसिले को सुनने के कई एक मकासद उनमें से दस मकासद का तजकरा मैं करने जा रहा हूँ और उनको मैंने फायदों की शक्ल में जिक्र किया कि ये फायदे हैं और ये फायदे हमारी जिंदगी में जाहिर होने चाहिए आज के दर्श में मैंने आपके सामने पांच फायदे गिनाए हैं आज के दर्श में हम यही अपने आप को रोकते हैं अगले दर्स में कल का जो आखिरी दर्श होने वाला है इस सिलसिले का आखिरी दर्श उस दर्श में इन बाकी मज़द पांच फ़ायदों का तस्करा करेंगे जो खैर उन्नास के इस सिलसिले को सुनने के बाद सीखने के बाद हम और आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए और जो फ़ायदे हम और आप हासिल कर सकते हैं अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम और आपको अल्लाह तबाक वाकई मानों में इन मकासद की तकमील करने वाला मुसलमान बनाए आमीन आख़िरिलाबलमिन वसलम आलिकम वरम्ब वरक